तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं सीओडी लिवर ऑयल के बारे में, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों ये हमारी बॉडी के लिए इतना जरूरी होता है। मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे पास ये 500 कैप्सूल वाला जो मैंने पैकेट खुद के लिए पर्सनली लिया हुआ है, उसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और प्राइसिंग के बारे में। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, 8th मंथ 2018 का इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और इसकी एक्सपायरी एग्जैक्टली समझिए 2 साल के 1 महीने से पहले से होती है, 7th मंथ 2020। इट मीन्स हमारे पास बहुत सारा टाइम है इस कैप्सूल को कंज्यूम करने के लिए, लेकिन हमें इतना टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे प्रॉपरली जैसे मैं आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो 3-4 मंथ में ही आपका जो ये कैप्सूल है सीओडी लिवर ऑयल, ये आप पूरा ही पूरा खत्म हो सकता है गाइस। तो चलिए गाइस इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। इसकी जो प्राइस मेरे पास है, 500 कैप्सूल्स वाला पैकेट है जो मेरे पास, उसकी प्राइस है 915 रुपीज। गाइस ऐसा ये न्यूट्रिशियस सब्सटेंस है तो इसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा होती है कभी। तो चलिए गाइस अब इस पैक को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं खुद यूज करता हूँ, तो ये इस तरह का एक पैक आता है, ये बॉटल आपको दिखाई देगी, तो इसे साइड कर लेते हैं। आप देखिए गाइस, ये एक बॉटल है, इसमें आपको ऐसे ये इस टाइप की कैप्सूल्स आपको पूरे भरे हुए इस बॉटल में आते हैं और आप देखेंगे इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। आप इसमें अगर आउटर कवर इनकेस आपका मिसप्लेस हो जाता है तो ये आप चेक कर सकते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और प्राइसिंग भी इस कैप्सूल के इनर पैकेट में गाइस। तो चलिए गाइस मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊंगा कि ये एग्जैक्टली कैसा लगता है। तो ये गाइस इस तरह के कुछ कैप्सूल्स लगते हैं, आप देख सकते हैं ये जो कैप्सूल्स है मेरे पास 500 की जो पैक का जो कैप्सूल्स है, ये देखिए ये कुछ दिखने में ऐसे दिखते हैं। आप ये मेरा पैक देख सकते हैं, मैंने इसी से निकाले हैं तो आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ पे चलते हैं, अगर इसे आप सीओडी लिवर ऑयल को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मोस्टली इस कैप्सूल में दो बड़े बड़े जो कंटेंट्स आप देख रहे हो इस बॉक्स पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एक है विटामिन ए और एक है विटामिन डी। गाइस हमारे लिए बॉडी के लिए विटामिन ए और डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन ए जो होता है उसका जो मेन वो है वो हमारे बॉडी के आंखों की जो विजन्स होती है उसके ऊपर होता है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब विटामिन ए अगर आपकी बॉडी में थोड़ा प्रॉपर नहीं है तो आपको आंखों में देखने की तकलीफें हो सकती है। आजकल जैसे कि आप देख सकते हैं 5-6 ईयर्स के बच्चों की आंखें भी वो लोग नजर कमजोर हो जाती है, उनके वजह से उन्हें स्पेक्स पहनने पड़ते हैं मजबूरन, क्योंकि आजकल जो गेमिंग बच्चे ज्यादा खेल रहे हैं और आंखों को इतनी वो लाइटिंग ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती और ये विटामिन जो है आजकल वो जरूरी हो गया है लेने के लिए। गाइस जो सीओडी लिवर ऑयल है, जिन भी जो भी बच्चे हैं 10 ईयर्स की एज के अबव होनी चाहिए, उनकी एज 10 ईयर्स के अबव है और उनकी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो आप उन बच्चों को जरूर ये दें कि जो भी विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है आपके बच्चों के बॉडी में 10 ईयर्स एज के अबव, तो ये जो है वो कमी पूरी कर देगा। गाइज विटामिन डी जो दूसरा इसमें कंटेंट जो आप क्लियरली देख सकते हैं वो हमारी बोन की हेल्थ के लिए काफी जरूरी होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं विटामिन डी जो है, जो विटामिन डी इसमें जो कंटेन करता है लिवर सीओडी लिवर ऑयल में, विटामिन डी का यूज बेसिकली है कि अगर आपकी जो रिलेटेड है आपकी बोन्स के साथ रिलेटेड है, अगर आपकी बोन्स जितनी मजबूत होगी वही उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा गाइस। और मेनली ये जो विटामिन डी का जो काम है वो कैल्शियम जो आपके बोन्स में जो एब्सॉर्ब होता है वो विटामिन डी की मात्रा की वजह से ही होता है। अगर आपका कैल्शियम डी कम होगा तो एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन योर बोन्स विल बी लेस। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगी तो इट मींस आपके बोन्स में कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। विटामिन डी की कमी के कारण हमारी जो बोन्स की डेंसिटी है वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा तो हमारी बोन जो है वो काफी वीक हो जाएंगी।
तो हमारे बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए विटामिन डी एक बहुत एक असेंशियल विटामिन है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारी बोन्स है वो वीकर हो जाती है। विटामिन डी की कमी अगर फॉर एग्जांपल हमारी एज 35+, जैसे ही हमारी एज बढ़ती रहती है, खास करके महिलाओं की एज, आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज हमारी बॉडी में काफी हार्मोनियल चेंजेस होते हैं। तो इसमें क्या है, विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है, मींस इसकी जो कमी है, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको वो अपॉय करना है तो सबसे नेचुरल उपाय है कि आप डेली सनलाइट में 15 to 20 मिनट्स बैठना काफी जरूरी है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। वो एक नेचुरल और एक हेल्दी वे है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। अगर उसके बाद भी सनलाइट के बैठने के बाद भी डेली 10 to 15 मिनट्स के बाद भी अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की जितनी बॉडी को जरूरत है उतनी नहीं दे पा रही है, तब आपको जरूरत है एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की। उस टाइम हम ये कैप्सूल कंज्यूम कर सकते हैं विटामिन डी का, क्योंकि सीओडी लिवर ऑयल एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। अपनी बॉडी को काफी लो फील करेंगे, आपकी बॉडी को काफी थकान आपको बहुत ज्यादा फील होगी विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर आपकी बॉडी में होगी तो। अगर आपकी विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है, एक सबसे बड़ा रीजन है जो आपको जॉइंट का पेन आपको होता है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे जॉइंट में जो पेन है, तो मोस्टली वो जो पेन है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से ही होता है। इस सीओडी लिवर ऑयल में एक अनदर कंटेंट है जो लिखा हुआ है ईपीए और डीएचए। आप देख सकते हैं ईपीए और यहाँ लिखा हुआ है डीएचए, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो बहुत अच्छे होते हैं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देता है। आजकल जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है वो काफी कॉमन सी हो गई है। वो जो मेन जो रीजन है वो गुड बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से आजकल हार्ट अटैक्स आते हैं, तो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। इसलिए ये हमारे हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। बहुत सारे लोग हैं जो काफी वेजिटेरियन होते हैं, तो उसमें ये जो फिश ऑयल है वो नहीं कंज्यूम कर पाते, इसीलिए बहुत सारे अलग उपाय उनको करने पड़ेंगे ये फिश ऑयल, क्योंकि इसमें फिश का जो ऑयल होता है वो इसमें रहता है, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको इनसे काफी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब मैंने आपको बताया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके जो कंटेंट्स हैं चारों गाइस मैंने आपको बताया, विटामिन ए, विटामिन डी और ईपीए और डीएचए, जो चारों मिला के एक कॉम्बिनेशन जो इसमें दिया हुआ है 7 सीरीज की तरफ से, तो इसकी हेल्थ बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। चलिए गाइस अब हम इसके डोसेज की बात करते हैं। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 1 or 2 to 3 कैप्सूल्स टाइम्स अ डे और हैज रिकमेंडेड बाय द फिजिशियन। तो इसमें आप 1 से लेकर 3 कैप्सूल्स तक एक दिन में ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो काफी बेटर होगा फॉर अ सेफ साइड। एक दिन में ये एक ही कैप्सूल गाइस मैं यूज करता हूँ। 10 ईयर्स के जो छोटे बच्चे हैं उन्हें प्लीज ये कैप्सूल्स ना दें। अगर आपकी एज है 10 ईयर्स के अबाव अपने आपके बच्चों की, तो आप उन्हें दिन में एक कैप्सूल दे सकते हैं। अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं या आपकी बॉडी में विटामिन ए या विटामिन डी की कमी थोड़ी ज्यादा है, तो आप 2 कैप्सूल भी पर डे ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको ज्यादा गाइडेंस दे पाएंगे। आई होप गाइस आपको ये मेरी वीडियो जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये मेरी जो वीडियो है हेल्पफुल रही है, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस।